एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ केयाशीट एरोमाथेरेपी के प्रोडक्ट के रिव्यू करने के लिए। केयाशीट एरोमाथेरेपी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के एक फेमस ब्रांड है। हम सब लोग केयाशीट एरोमाथेरेपी के कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते ही है क्योंकि ये एरोमाथेरेपी बेस्ड प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, हमारे हेयर और स्किन के लिए 0% भी हार्मफुल नहीं है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है केयाशीट एरोमाथेरेपी स्किन इरेजर लिक्विड स्क्रब नीम। नीम से तो आप लोगों को पता चल गए हैं कि ये क्या काम करते हैं, लेकिन मैं डिटेल्स में थोड़ा बहुत बताऊंगी। फर्स्ट मैं बता देती हूँ कि इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस है 165 रुपीज़ फॉर 100 ml। तो ये एकदम पॉकेट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है और साथ ही साथ फ्लिप टॉप पैक में आते हैं, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है क्योंकि ट्रैवल करने का टाइम लीकेज होने का 0% भी चांसेस नहीं है। और साथ ही साथ इसका शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है ये है एक स्क्रब, और स्क्रबर तो अभी हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन जिन लोगों के चेहरे के ऊपर पिंपल है, बहुत ज़्यादा पिंपल है, वो लोग कभी भी स्क्रबर नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि स्क्रबर यूज़ करने से पिंपल बढ़ जाते हैं, ये वो लोगों का दिमाग में फिक्स है। हाँ वो सच है, लेकिन ये स्क्रबर यूज़ करने से पिंपल बढ़ेगा नहीं। पिंपल प्रोन स्किन या फिर ऑयली स्किन के लिए अगर कोई स्क्रबर बेस्ट है तो मेरे हिसाब से ये स्किन इरेजर लिक्विड स्क्रब नीम सबसे बेस्ट है। लिक्विड है और इसका जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही माइल्ड है, स्किन के ऊपर एकदम हार्श नहीं करेगी। ये आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो, अगर स्किन के ऊपर चाहे पिंपल रहे, अगर चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, फिर भी ये इरेजर आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पिंपल बढ़ेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मेरे चेहरे पे भी कभी कभार पिंपल आ जाते हैं, तो उस टाइम के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और 3 साल का शेल्फ लाइफ है, तो ऐसा नहीं है कि आज खरीदी हूँ तो आज ही ख़त्म होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। और कभी कभी हमारी स्किन बाहर जाने के कारण बहुत धूल मिट्टी पोल्यूशन से घर जब वापस लौटती हूँ तो उस टाइम में चेहरा बहुत ही डल दिखता है, हम लोगों को ये लगता है कि स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ है, तो उस टाइम के लिए भी ये इरेजर सबसे बेस्ट है क्योंकि स्क्रबर यूज़ करना भी तो मस्ट हो गए है क्योंकि हमारे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जैसे प्रॉब्लम, साथ ही साथ पिंपल्स प्रॉब्लम, साथ ही साथ स्किन डल ड्राई होने का प्रॉब्लम, तो वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये। ऑयली स्किन वाले लोग इसको यूज़ करेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूज़ करने से हमारे स्किन ड्राई हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड एक इरेजर है, यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अभी इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं, ये तो एक बेनिफिट है ही, और साथ ही साथ लिक्विड फॉर्मूलेशन में है और नीम है, प्योर नीम एक्सट्रैक्ट, तो ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है। देखिए पूरा के पूरा हल्का हल्का ग्रीन कलर का ही है ये स्क्रबर, तो हाथों में ले लीजिए और स्किन पे ऐसे डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। वाटर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट अपवर्ड्स में स्किन टाइटनिंग में मदद करते हैं और साथ ही साथ पिंपल बढ़ाते नहीं है लेकिन पिंपल प्रॉब्लम जाने में मदद करते हैं। पिंपल का जो प्रॉब्लम है ना, पिंपल प्रोन स्किन, वो स्किन को नॉर्मल स्किन बना देते हैं। तो ऐसे अपवर्ड्स में, साथ ही साथ ऐसे क्रिस क्रॉस में, और जिस एरिया पे ब्लैक हेड्स है उस एरिया पे ऐसे क्रिस क्रॉस में अप्लाई कीजिए। देखिए 1 मिनट तक इसको स्क्रब कीजिए ऐसे, तो 1 मिनट हो गए हैं, अभी इसको धो के आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। देख लीजिए मैंने स्क्रबर को वॉश करके आ गई हूँ और स्किन कितना अच्छा चमक रहा है ना, ऐसा ही स्किन आप लोगों को भी मिल जाएगी। ये स्किन इरेजर ज़रूर एक बार अप्लाई कीजिए, अगर आप लोगों के स्किन में पिंपल है तो भी यूज़ कीजिए, अगर पिंपल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर छोटे मोटे रैशेस भी है ना तो वो भी ठीक हो जाएगी ये स्किन इरेजर यूज़ करने से। तो यही रही मेरी आज की
केयर शीट स्किन इरेजर लिक्विड स्क्रबर नीम की रिव्यू दिख रहा है आपके सामने है। मेरे चेहरा कितना फ्लॉलेस, कितना ग्लो कर रहे हैं। तो ये रही मेरी आज की रिव्यू। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।